गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेरी सेफ एट योर होम, राइट? सो माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, डीवा. टुडेज माई टॉपिक इज कंपाइलर डिजाइन ऑप्शन. कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम की तरफ ट्रीट करेंगे, और जो कन्वर्जन के बाद हमें लेगा प्राप्त होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कोड, टारगेट कोड या मशीन कोड कहते हैं. इस डायग्राम में यह डायग्राम डिपेंड कर रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कोड लिखेंगे, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. अगर इस दौरान कोई कंपाइलेशन एरर आती है तो कंपाइल यहाँ पे हैंडल किया जाएगा. कंपाइलर डिजाइन ऑप्शन बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक कंपाइलर को डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करने में कितने पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कैसी अप्रोचेज हो सकती हैं, कितने प्रकार की एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, है ना? तो इन तो इस हम ऑडियो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम मल्टी पास कंपाइलर या डिवीजन इनटू पासेस, इंटरप्रेटर, पी कोड कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट, डिवीजन इनटू पासेस. तो देखिए, जो कंपाइलेशन स्कीम है उसको पासेस की के अकॉर्डिंग हम टू पास में दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सिंगल सिंपल वन पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर. सिंपल वन पास कंपाइलर जो सिंपल वन पास कंपाइलर होता है उसका सिंपल सा मतलब है कि हम सोर्स प्रोग्राम कोड को केवल एक बार पास करेंगे और हमें टारगेट कोड प्राप्त होगा. ठीक है, केवल एक बार पास करना और टारगेट कोड हमें प्राप्त हो जाएगा. इस प्रकार के जो आपका सिंपल वन पास कंपाइलर है, यह पार्सिंग प्रोसेस के द्वारा ड्राइव किया जाता है. इसमें पार्सिंग प्रोसेस का बहुत महत्व रहता है और लेक्सिकल स्कैनर को तब कॉल किया जाता है जब पार्सर किसी अनदर टोकन को आइडेंटिफाई करता है. यहाँ पे पूरी जो महत्वपूर्ण है, जो मतलब कि जो प्रोसेस है वो पार्सर के इर्द गिर्द पार्सर से रिलेटेड है ना? तो पूरी प्रोसेस कौन एग्जीक्यूट करता है? पार्सर करता है. और लेक्सिकल स्कैनर की आवश्यकता कब होती है? जब कोई उसको अनदर टोकन प्राप्त होता है. सिंपल वन पास सिमिलर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हाईली इफिशियंट नहीं होते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करने में समय लगता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ना? और जो आपका सिंगल सिंपल वन पास कंपाइलर है उसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को अप्लाई नहीं किया जाता. जैसे हमने आपको बताया था कि कंपाइलेशन प्रोसेस में कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज होती है जो कि आपके जो इंटरमीडिएट कोड है उनको रिड्यूस करती है और उससे हमारा मेमोरी स्पेस कम हो जाता है जब एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है. लेकिन सिंपल वन पास कंपाइलर में कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई नहीं होती है, यूज नहीं होती है. इस प्रकार के स्कीम में, कंपाइलेशन स्कीम में सोर्स प्रोग्राम को केवल वन बार पास किया जाता है एंड नो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जनरेशन स्टेप रिक्वायर्ड. इसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है.
मल्टी पास कंपाइलर की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि हम प्रोग्राम कोड को मोर देन वन टाइम पास करेंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम है, टू पास कंपाइलर के सोर्स कोड आपने लिया, फ्रंट एंड में गया, उसका एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे बैक एंड में गया और फिर उसका मशीन कोड जनरेट हुआ और फिर यहाँ पे मशीन कोड जनरेट करके प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी वन पास टू पास। यहाँ पे आपने सोर्स कोड लिया, फिर इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, फिर इंटरमीडिएट कोड को इनपुट किया गया, जिसका कोड ऑप्टिमाइजेशन हुआ, कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पे मशीन कोड जनरेट हुआ, है ना। फिर से ध्यान सुन लीजिए, सोर्स कोड को आपने यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस हुई, सिंटैक्टिक एनालिसिस हुई और सिमेंटिक एनालिसिस हुई, फिर यहाँ पर आईआर यानी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यानी इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया गया। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को यहाँ पर बैक बैक एंड यानी कि यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोड ऑप्टिमाइजर के पास भेजा गया। कोड ऑप्टिमाइज किया और उसके बाद फिर यहाँ पे उसका मशीन कोड प्रोड्यूस किया गया। इस दौरान अगर यहाँ पे कोई एरर आए तो उससे दोनों एंड पर, फ्रंट एंड और बैक एंड पर, दोनों एंड पर एरर को हैंडल किया गया। ठीक है, तो जो आपके मल्टी पास कंपाइलर है उसमें टू या टू मोर देन टू पासेस की आवश्यकता होती है। हंटर ने एरगोल 68 में या हंटर एरगोल 68 में मैक्सिमम थ्री पासेस की आवश्यकता होती है, वहीं से कंसेप्ट आया कि मल्टी पास की आवश्यकता है। मल्टी पास कंपाइलर्स आर यूज व्हेन द अमाउंट ऑफ मेमोरी और अदर रिसोर्सेस इज लिमिटेड। मल्टी पास की आवश्यकता कब होती है? जब हमारे पास सफिशियंट मेमोरी नहीं होती और रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो मल्टी पास या सिंगल पास को इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्पीड। स्पीड अगर आपके लिए स्पीड ज्यादा महत्व रखती है तो उस समय सिंगल पास या सिंपल वन पास कंपाइलर बेटर है। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप सिंपल वन पास असेंबलर यूज कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में सफिशियंट मेमोरी और सफिशियंट रिसोर्सेस होने चाहिए। अगर आपके पास मेमोरी कैपेसिटी या रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं है तो मल्टी पास बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मल्टी पास में जो प्रत्येक जो पासेस बनते हैं, अलग अलग पासेस बनते हैं, उनकी साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, इसलिए उनको लोड करने में, उनको उनके साथ बाकी प्रोसेस करने में आसानी होती है। फिर सेकंड पॉइंट होता है कि इफ अ कंपाइलर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पासेस, ईच पास बिकम सिंपलर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड राइट एंड टेक्स्ट। यदि मल्टी पास के द्वारा हम कंपाइलर को सेवरल पासेस में डिवाइड कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रत्येक पास जो जनरेट होता है सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है, उसको आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें कोड राइट कर सकते हैं और कोड को टेस्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, एक हमारा बड़ा सा प्रोग्राम होता है, उसको अगर हम छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक कर देते हैं तो उससे एडवांटेज ये होता है कि हम अलग अलग मॉड्यूल को प्रॉपर चेक कर पाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी प्रकार कंपाइलर के केस में होता है कि अगर हम एक कंपाइलर की प्रोसेस को से कई पासेस में, मल्टीपल पासेस में डिवाइड कर देते हैं तो हमको प्रत्येक पास को समझना, उसे उसमें कोड राइट करना, उसे टेस्ट करना आसान होता है। फिर प्रत्येक एक और एडवांटेज है कि प्रत्येक जो पासेस हैं
हम डिफरेंट प्रोग्रामर्स को असाइन कर सकते हैं, जिससे पैरेलली अलग अलग प्रोग्रामर्स अलग अलग प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। मीन्स अगर आप मल्टीपास कंपाइलर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेन एडवांटेज, आप एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि मान लीजिए आपको बड़ा मॉड्यूल बनाना है, तो आपने उस वर्क को डिफरेंट प्रोग्रामर्स को असाइन कर दिया। अब डिफरेंट प्रोग्रामर्स अपने अपने अलग अलग मॉड्यूल में काम कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं पैरेलल लूप से, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आपका, जब अगर हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इससे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमें कम टाइम लगता है, ओवरऑल जो टाइम लगना है वो कम हो जाता है ना। जैसे कंपाइलर का कोई पार्ट अलग व्यक्ति डिजाइन करेगा, कोई अलग डिजाइन करेगा, तो उससे जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाती हैं, उसमें जो पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है, कोई एक बंदा एक मॉड्यूल को नहीं बनाता है, सारी एक एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग टीम होती है। फिर उस टीम में उसमें भी सब मॉड्यूल डिवाइड कर दिया था, एक व्यक्ति अलग सब मॉड्यूल में काम करेगा, दूसरा व्यक्ति अलग, तो एक साथ कई लोग एक मॉड्यूल को डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार जब कंपाइलर डिजाइन की बात आएगी, तो कंपाइलर डिजाइन में भी क्या होगा कि अगर मल्टीपास कंपाइलर यूज कर रहे हैं या मल्टीपास कंपाइलर डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोग्रामर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पासेस पे वर्क करने के लिए दे देंगे, जिससे राइट करना टेस्ट करना आसान होगा, वो पैरेलली वर्क होगा, है ना, और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन करने में टाइम कम लगेगा। तो इस प्रकार हमने अभी यहाँ पर कंपाइलर के पासेस के बारे में पढ़ा, डिवीजन इनटू पासेस पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी जो ऑप्शन है, इंटरप्रेटर, पी कोड कंपाइलर और कंपाइलर कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।